जर्मनी दुनिया का एक ताकतवर देश है, जिसकी ताकत के पीछे उसके नागरिकों की देशभक्ति और मेहनत है, जो मुश्किल में भी मुस्कुराना जानते हैं और लड़ने मरने में किसी से भी पीछे नहीं रहते। जर्मनी में इंजीनियरिंग की दिशा बदल कर रखती है और वह आज कार निर्माण से लेकर कल पुर्जों के निर्माण में अमेरिका की सहायता कर रहा है। जर्मनी न सिर्फ इंजीनियरिंग और विज्ञान में बल्कि कला, खेल, साहित्य और व्यापार में भी कई देशों से आगे है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन देश का सबसे बड़ा शहर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। 8 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या वाला जर्मनी यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इतनी आबादी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की आबादी के बराबर है। जर्मनी का क्षेत्रफल लगभग 3,57,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल से सिर्फ 15,000 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है। इसके मुकाबले GDP में जर्मनी चौथे स्थान पर और पूरा भारत 7वें स्थान पर है। छोटे से जर्मनी ने अपने आप को 16 राज्यों में बांटा हुआ है और इन 16 राज्यों के 493 जिले हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी घट गई थी कि 1000 महिलाओं पर सिर्फ 350 पुरुष ही बचे थे। जर्मनी में हर साल 5,500 ऐसे बम खोज लिए जाते हैं जिनका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध में होना था। इन बमों के बरामद होने के बाद इनको डिफ्यूज कर दिया जाता है। फेंटाकोल्टिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में बनाया गया था। यह इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय का पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला जर्मनी के विरोधी देशों में बनाया जाता था। यहां से इसे आयात करना मुश्किल था। हिटलर अपनी सेना को सम्मान देने के लिए खास तरह से सल्यूट मारता था, जिसे नाजी सल्यूट कहते हैं। अगर वर्तमान जर्मनी में कोई नाजी सल्यूट मारता पकड़ा जाता है, भले ही मजाकिया तौर पर, तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के 2 हिस्से हो गए थे। राजधानी बर्लिन के बीचों बीच एक विशाल दीवार बना दी गई, जो दो देशों को 2 हिस्सों में अलग करती थी। पर साल 1990 में देश के दोनों हिस्सों के एक हो जाने के बाद इस दीवार को लोगों ने बड़े ही जोश के साथ गिरा दिया था। वर्ष 1989 से 2009 के बीच जर्मनी में 2000 से ज्यादा स्कूल बंद करने पड़े थे, क्योंकि उनमें बच्चों की कमी थी। जर्मनी में आप किसी बच्चे का नाम ऐसा नहीं रख सकते जिससे उसके लिंग का पता ना चले, जैसे कि मैटी और बॉबी आदि। जर्मनी हर साल जितना पैसा अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है, अमेरिका के लोग उससे ज्यादा अपने पालतू जानवरों पर खर्च कर देते हैं। साल 2014 में जर्मनी के सभी कॉलेज के छात्रों की फीस को माफ कर दिया था, यहाँ तक कि दूसरे देशों के छात्रों को की फीस भी माफ कर दी थी। अगर जर्मनी में कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसकी कोई सजा नहीं दी जाती, क्योंकि इस देश का मानना है कि हर मनुष्य आजाद होना चाहता है। जर्मनी में पहली मैगजीन आज से लगभग 350 साल पहले सन 1663 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यूट्यूब के 1000 सबसे पॉपुलर वीडियो में से 31% को जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक की गई वीडियो गानों की है, जिसके पीछे जर्मनी की संस्था गेमा का तर्क है कि उसके देश में इस कंटेंट को दिखाने की अनुमति नहीं है, जिसकी रॉयल्टी उसके राइटर्स को ना मिले। इसका सीधा सा मतलब है कि गाने के लेखकों को कंटेंट में होने वाली लगातार कमाई में से हिस्सा मिलता रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें, और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट के साथ बने रहें।